आज का दिन 9 फरवरी 2023, सारे एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स का इंतज़ार फाइनली आज ख़त्म हुआ है। मेंस की डेट लगभग 3 से 4 दिन पहले आ गई थी, जो कि मार्च में होने वाला है मेंस एक हफ्ते का, और आज प्री का रिजल्ट भी आ गया है। जी हाँ जनाब, जैसा बताया गया था, जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था कि कट ऑफ काफ़ी लो रहने वाली है, बिल्कुल वैसे ही कट ऑफ काफ़ी लो है। अभी अभी मैंने इसमें जो है अपना रिजल्ट का नोटिस चेक किया है कि रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया। इसमें साइट पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो काफ़ी स्लो चल रहा है, इनफैक्ट इतना स्लो है कि सर्वर उसमें एरर आ रहा है, कुछ लोड भी नहीं हो रहा है। तो समहाउ आई हैड गॉट द PDF फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड एंड इट सेंट मी ऑल द PDF ऑफ द रिजल्ट। तो ये सबसे पहले नोटिस है रिजल्ट का हमारे सामने, डिक्लेरेशन ऑफ द ब्ला 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 सीजीएल का रिजल्ट 2022 वाला, ये जो है हमारे सामने। और बेसिकली जो हर बार होता है, 3 लिस्ट, पहली लिस्ट में AA, सेकेंड लिस्ट में JSO एंड थर्ड लिस्ट में उसके अलावा जो बाकी कोई भी पोस्ट रह जाती है, चाहे हमारा एक्सरसाइज हो, इनकम टैक्स हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, चाहे हमारा वो UDC हो, या जो इस बात से ज़्यादा पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो, एन स्पेशल ऑफ पोस्ट या और कोई भी वैकेंसी हो, JSO AA को छोड़ के। थोड़ा नीचे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले पिप्ट लिस्ट नंबर 1 दिखती है, इसकी कट ऑफ सबसे हाई है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें JSO के अंदर UR की कोई लिस्ट नंबर 1 इसमें UR की कट ऑफ 158 है अप्रॉक्सीमेटली, और OBC की 152.9 है। थोड़ा अगर नीचे आते हैं, उसके अंदर लगभग 25,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। थोड़ा नीचे अगर आते हैं इसमें तो लिस्ट नंबर 2 है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो OBC की कट ऑफ 167 एंड EWS की 159। EWS की इसमें कितनी है? इट्स 154। तो इस बार थोड़ा डिफरेंट हुआ, इस बार लग रहा है कि EWS बच्चों ने बनवा लिया ज़्यादा, तो EWS की कट ऑफ थोड़ी बढ़ गई है कट ऑफ हर बार से। बट अगर हम लिस्ट नंबर 3 की बात करें तो जिन भी बंदों का EWS का सर्टिफिकेट है उनको OBC से ज़्यादा बेनिफिट है। 12 नंबर कम है EWS की कट ऑफ, जो नॉर्मल ASO वगैरह के लिए जो कट ऑफ होती है, और UR की 114 और जनरल और UR की कट ऑफ एकदम एग्जैक्टली सेम है। देर इज नो डिफरेंस इन द कट ऑफ ऑफ UR एंड OBC। बाकी अगर हम बाकी कट ऑफ की बात करें, सबसे कम इसमें है ST की, दैट इज 77.57 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 78 मार्क्स। थोड़ा नीचे आ जाते हैं और अब जो हमारे मार्क्स है वो कब आएंगे, मेन बात। मार्क्स जो हैं 22 फरवरी को आ जाएंगे साइट पर और 8 मार्च तक रहेंगे, तो माह हमें इंतज़ार है 22 फरवरी का। और जो Tier 2 है उसमें दोबारा इसका नोटिस दे रखा है, शेड्यूल्ड फ्रॉम 2nd of March to 7th of March, और COVID-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आज है 9 तारीख और हार्डली 20 दिन रह गए हैं पेपर के लिए। यार 20 से थोड़े से ज़्यादा दिन होंगे बस, वो उसमें एक दो दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। और अब चेक कर लेते हैं हम जल्दी से अपना रिजल्ट। तो हमारे रॉ मार्क्स थे अप्रॉक्सीमेटली 129, तो आई डोंट थिंक सो कि और किसी लिस्ट में नाम आया होगा, बट फिर भी एक बार ही चेक कर लेते हैं। एक है 253 पेज की PDF, एक 14 पेज और एक में है 3600 पेज की PDF, तो 14 पेज वाली। इसमें एक बार ही सारा सर्च करके देख लेते हैं इसे टाइम पास के लिए। ये हमने यहाँ पर डाला There is no जजोरिया इन दिस। लिस्ट नंबर 2 में देख लेते हैं JSO वाली में, वी नो कि इसमें नहीं होगा, बट फिर भी टाइम पास के लिए यार ऐसी। सर्च कर रहा है, हो रहा है। इसमें एक जजोरिया मिला है, बट दिस इज नॉट मी, दिस इज अ गाय नेम एज पुनीत जजोरिया, ये कोई और है, दिस इज़ नॉट मी। तो लिस्ट नंबर 3 जो है जिसकी कट ऑफ 114 है मात्र, कर रहा है सर्च दम दबा के, बहुत सारे पेज हैं यार। इतने में अपना रोल नंबर निकाल लेते हैं कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि इस बार हो सकता है कि और भी जजोरिया हो मेरे अलावा यार, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, वरना यूजुअली एक ही जजोरिया होता है और वो मैं ही होता हूँ मोस्टली। सो रिजल्ट पेंडिंग में हम जाते हैं, ये मैंने फोल्डर बना रखा है अलग से एग्जाम का। इसमें थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये रोल नंबर कॉपी कर लिया है हमने, ये गाइस लिस्ट में। एक है तनु जजोरिया, दिस इज नॉट मी, हाँ ये दिस इज आई थिंक सो दिस इज मी, सचिन जजोरिया, ये है रोल नंबर 201229733। और नंबर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं जो हमने कॉपी किया था अपने एडमिट कार्ड से। कंफर्म। सो अपना नाम तो आ गया लिस्ट में। सो आई एम इन द कंपटीशन फॉर द मेंस एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम प्री वाला।
और मेंस के लिए जम के मेहनत करो, लिमिटेड डेज रह गए हैं, और यही कहूँगा। वैसे मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैंने खुद भी ऐसे ढंग से कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, सबके लिए नया है यार, मतलब मैं ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बस यही है कि लास्ट डेज में इतना ही कि नया कुछ स्टडी करने की कोशिश ना करें, जो है पुराना उसको बार बार रिवाइज करें, और जितने हो सके पर डे में मॉक टेस्ट लगाएं जितना हो सके, और रिवाइज करते रहें बार बार। यही मैसेज है मेरा आपके लिए, CGL मेंस की मेरी तरफ से। तो अलविदा लेता हूँ आपसे फिलहाल के लिए इस वीडियो में, मेरी तरफ से इतना ही CGL परी वाली। सो दिस इज योर द सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।